देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। कोरोना वायरस की दहशत से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने भारत में दस्तक दे दी। एक बार फिर मेरठ में कोरोना के नए स्ट्रेन के 3 मामले सामने आने से प्रशासन की चिंता बढ़ती नजर आ रही। मेरठ में एक बार फिर कोरोना का असर बढ़ा है। जो लोग विदेश से आए हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद CMO मेरठ लगे हुए हैं। हालांकि कुछ लोग पॉजिटिव आने की बात सामने आ रही है। जहां ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में जो कॉलोनी है उसमें लोग मिले हैं और उसको सील किया जा रहा है। वहां पर चेकिंग भी कर दी गई है शुरू। इसके अलावा टेस्ट भी शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक साथ ही स्वास्थ्य कर्मी वहां पर मौजूद हैं। मेरठ में लोग कोरोना वायरस की दहशत से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर कोरोना के नए स्ट्रेन ने लोगों के दिलों में दहशत भर दी। मामला उस वक्त संज्ञान में आया जब ब्रिटेन से मेरठ लौटे एक परिवार के 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। आशंका जताई जा रही है कि उनमें कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। इस परिवार में एक छोटा बच्चा भी शामिल है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें दिखना शुरू हो गई हैं। इस बात की भनक जब मेरठ प्रशासन को लगी तो उसने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट पर रख दिया। अब सरकार भी मान रही है कि इस मामले में अब कोई भी लापरवाही प्रदेश को भीषण मुसीबत में ढकेल सकती है। प्रशासन के कान जब खड़े हुए जब कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के 3 मामले मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर में सामने आए। बताया जा रहा है कि ये परिवार ब्रिटेन से भारत आया था और वे तीनों इस नए स्ट्रेन का शिकार हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ब्रिटेन से भारत वापसी करने वाले इस 3 सदस्यीय परिवार में एक बच्चा भी पॉजिटिव है। इस परिवार के घर आने के बाद युवक के माँ बाप भाभी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पड़ोस में रहने वाले परिवार के भी 9 सदस्य संक्रमित मिले हैं। विभाग को आशंका है कि ये स्ट्रेन 2 का संक्रमण भी हो सकता है। इस प्रकरण की रिपोर्ट मिलने पर मेरठ के बाद लखनऊ में भी हलचल तेज हो गई है। हालांकि मेरठ स्वास्थ्य विभाग के लोग काफी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं। CMO मेरठ का कहना है कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, उनकी तैयारियां पूरी है और वो तत्पर है। कोरोना के बारे में इतनी ही जानकारी है कि लाइक लॉकडाउन लगा था और लोग कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं इस टाइम पे, नहीं मास्क का यूज करते हैं, नहीं उसके बारे में सिर्फ मैंने अभी सुना है कि अभी कोरोना आया है सेकंड, इसका आगे जनरेशन आ रही है, लेकिन मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है अभी। सैनिटाइजर का यूज करते हैं, हैंड वॉश करते हैं रेगुलरली एंड मास्क का यूज करते हैं हम लोग बाहर निकलने से ही पहले और एंड किसी से मिलने से ही पहले। डर तो देखिए बड़ा ही है, वो तो बढ़ेगा है ही, लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होता है आगे। नहीं भी तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि नया कोरोना आ रहा है, अपडेट हुआ है और लोगों में बहुत डर है इस चीज़ का। ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, जैसे पहले एक डर था, एक भय था कोरोना का कि अभी कोरोना काल चल रहा है, लोग आपस में एक दूसरे से बच के चल रहे थे, बात करने से डर रहे थे, लेकिन अब ऐसा मार्केट में कुछ नज़र नहीं आ रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन हो रहा हो या ज़्यादा इसका डर हो या भय हो कोई। हालांकि प्रशासन इसे लेकर लोगों को जागरूक करने की बात भी कह रहा है, लेकिन अभी लोगों को नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे लेकर लोग बेपरवाह जरूर दिख रहे हैं। सड़कों पर सोशल डिस्टेंस मास्क नहीं दिखाई देता। लोग बेपरवाह होने के साथ साथ डर के साए में भी जीने को मजबूर है। अच्छी बात यह है मेरठ वालों के लिए कि मेरठ के अंदर जो लोग बाहर से आए थे उनको चिन्हित किया गया है, उनको जो लोग क्वारंटीन होने थे उनको क्वारंटीन किया गया है और सभी के संपर्क में जो लोग आए थे उनको भी क्वारंटीन या उनकी जांच की जा रही है। सबसे अच्छी बात यही है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार तत्पर हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। देर रात भी DM के बालाजी ने मीटिंग की और इंस्ट्रक्शन दिए, जिसके बाद अब लगातार जो कोशिश थी वो जारी है। ऐसे में उम्मीद हम भी ये करते हैं कि ये जो स्ट्रेन आया है ये ना फैले और लोगों में जो पैनिक फैल रहा है लोग ऐसा पैनिक ना फैलाएं, केवल मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। मेरठ से अपने सहयोगी रियासत अली के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।